हेलो गाइस, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। टुडे वी आर हियर विद अवर फर्स्ट व्लॉग, सो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। गाइस, आप देख सकते हैं टाइम हो रखा है अभी सुबह के 10:30 और मैं और मम्मा अभी घर का काम कर रहे हैं, बिकॉज आज हमारी मेड नहीं आई है, तो सारा काम मुझे और मम्मा को ही करना है। मम्मा, कैसा लग रहा है आज आपको अपना मेड नहीं आई? बहुत गंदा लग रहा है बिना मेड के। गाइस, सारा काम आज हमें करना पड़ेगा। और एक और बात बताऊं, आज हमें मेले में भी जाना है, है ना मम्मा? यस। तो आपको कैसा फील हो रहा है मेले में जा रहे हो? पहले तो काम होगा, फिर मेले में जाएंगे। तो गाइस, आज ना मेले को लगे 3 दिन हो गए हैं, 4 दिन, और आज हम आज जा रहे हैं मेले में। देख लो गाइस, मेरी मम्मा मुझे लेके भी नहीं जाती। तो अब मिलते हैं आपको काम करते वक्त। सारे घर का झाड़ू पोछा करके आई हूँ, मतलब सारे घर का काम हो गया, सिर्फ किचन के बर्तन रह गए हैं। मम्मा ने सारी किचन सेट कर दी, अब मम्मा बना रही है सब्जी। मम्मा ने मुझे पानी दिया, मैं बहुत थक गई हूँ। तो गाइस, अब मैं धोऊंगी बर्तन, मम्मा खाना बना रहे हैं, मम्मा सब्जी बनाएंगे, उसके बाद मम्मा बनाएंगी चपाती सबके लिए, और फिर हमारा सारा काम डन हो जाएगा। गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ कितने बर्तन है। ये देखो गाइस, बर्तन ही बर्तन। और गाइस, हमने ना मतलब कपड़े धोए थे, पर हमारे फंक्शंस थे बीच में बहुत सारे, तो हम उन्हें ना तय नहीं कर पाए, लपेट नहीं पाए। तो अब आप कपड़े देखो कितने हैं, मतलब ये तो चद्दर्स वगैरह हैं, अभी तो सारे ब्लैंकेट वगैरह अभी जो हमने कपड़े मतलब वॉश किए थे, वो तो अभी ऊपर ही हैं, उन्हें भी नीचे ला के लपेटना है। तो गाइस, आज काम बहुत सारा है, मुझे नहीं लगता कि आज हम मेले में जा पाएंगे। मैं लगता है आपको हम जा पाएंगे? अभी हमारे कपड़े भी हैं गाइस, मुझे बर्तन भी धोना है, खाना बनाना है, वो सब खाने के बर्तन होंगे। शिमला मिर्ची सब्जी गाइस मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मम्मी, मुझे क्या दोगे? ओ गाइस, ये तो अब मैं आपको मिलती हूँ बर्तन मांजने के बाद। गाइस, मन्नत ने सारे बर्तन धो दिए हैं, क्योंकि आज हमको जाना था मेले में भी, और कुछ मुझे आज लंच भी जल्दी बनाना था, तो मन्नत ने बहुत हेल्प कर दी मेरी, क्योंकि आज हमारी मेड भी नहीं आई थी। गाइस, मैंने सारे बर्तन धो दिए और मम्मी ने जितने भी कपड़े थे सारे लपेट दिए हैं। तो अब मैं आपको अपने घर का फाइनल लुक दिखाती हूँ कि अब सफाई के बाद घर कैसा हो गया है। गाइस, ये देखिए, मम्मी ने जितने भी कपड़े थे सारे लपेट दिए, मम्मा ने प्रेस वाले अलग कर दिए। और गाइस, ये देखो, मैंने सारी अपनी किचन दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए गाइस, बिल्कुल मैंने सारे बर्तन चकाचक कर दिए हैं। और ये मम्मा ने इधर सब्जी बना ली, ये सारी सेल्फ वगैरह मैंने क्लीन कर दी है। और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ अपना नेक्स्ट रूम, ये देखो गाइस, सारे रूम में मैंने झाड़ू पोछा किया है, सब क्लीन है। वो मेरी यूनिफॉर्म है, वो मुझे अभी वॉश करानी है, तो मैंने उसे ऐसे रखा है, बाकी सब गाइस क्लीन है, आप देख सकते हो। और इधर जाके गाइस, ये भी हमने सारा सेट कर रखा है, ये भी सब क्लीन है, और ये भी हमने कर दिया है। तो गाइस, ये भी प्रेस वाले कपड़े हैं, अभी जो अंकल आएंगे उनके हाथों में प्रेस वाले कपड़े देंगे, ठीक है। गाइस, हमने ये सारा क्लीन कर दिया है, देखो बिल्कुल अच्छे से कर दिया है। गाइस, यहाँ देखिए सारा हमने बिल्कुल मतलब मैंने अच्छे से वॉश किया है और सारा क्लीन किया है, यहाँ से भी सारा। ये देखिए गाइस, ये मेरा मैक्स बैठा है, जीनी 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 ऐसे कैसे लेट जाता है, बहुत गंदा है ये कुत्ता, गंदा कुत्ता है ये, आजा। बस देखो कैसे खड़ा हो गया, पारू लेता है ये, सबसे छुप छुप पारू लेता है ये।